Hello everyone, I am Inder from Sparkotech. In this video, I will talk about how you can start and grow hotel business online. Basically, I will talk about three important points. Number one point, product. इसमें जो आपका product है, वो है hotel nights को sell करना. Okay? तो उसके लिए आपके पास होटल होना चाहिए. होटल को स्टार्ट करने से पहले जो आपके चीजें ध्यान में रखनी है वो है ये. नंबर वन, आपको होटल की जो लोकेशन है उसका पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप होटल ले कहाँ पे रहे हो. आपको बीच साइड पे होटल लेना है, आपको माउंटेन्स पे लेना है, या अकॉर्डिंग टू आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, और वहाँ पे टूरिस्ट कितने आते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी, कितने टूरिस्ट आते हैं, क्या आपको वहाँ पे अपना होटल बिजनेस चला सकते हो. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. आप जहाँ पे भी होटल लेना चाहते हो वहाँ पे विजिट करो, वहाँ पे कुछ होटल्स के साथ मिलो, बैठो, देखो आसपास की डेस्टिनेशन कहाँ पे है. उसके बाद आपकी होटल की जो डेस्टिनेशन है वो डिसाइड करो कि आपको होटल लेना कहाँ पे है. इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपका होटल का बजट. आपका होटल का बजट कितना है? आप 2-स्टार होटल लेना चाहते हो, 3-स्टार, 4-स्टार, 5-स्टार? आप पार्टनरशिप में लेना चाहते हो, आप लीज पे लेना चाहते हो, या आप खुद का ही होटल बिल्ड करना चाहते हो? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपका होटल का बजट कितना है. तो आपकी होटल की लोकेशन आपने डिसाइड कर ली, होटल का बजट आपने डिसाइड कर लिया. इसके बाद आता है होटल की डेवलपमेंट. आपको डिजाइन कैसा चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिम होनी चाहिए, स्पा होनी चाहिए, या पूल होना चाहिए, वहां पे स्विमिंग पूल होना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए वहां पे कितना एरिया होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, होटल में कितने रूम्स होने चाहिए, उसमें कितना होटल्स का रूम के साइज होना चाहिए. तो ये सारी चीजों पे आपको पूरे दोबारा से स्टडी करना है कि इनमें कैसे आप होटल का डेवलपमेंट पार्ट को एग्जीक्यूट कर पाओगे. होटल डेवलपमेंट पार्ट के बाद आता है आपका होटल का स्टाफ. होटल बन चुका है, अब होटल में जो काम करेंगे होटल का स्टाफ एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए. आपको रिसेप्शन में के लिए स्टाफ हायर करना पड़ेगा कि रिसेप्शन चेक इन चेक आउट की प्रोसेस के लिए पूरा कंप्लीट. उसके बाद आपको जो आप जिम कर रहे हैं वहां पे स्विमिंग पूल है, या होटल की साफ रूम्स की सफाई के लिए स्टाफ अलग से होगा. होटल में जो कुक होंगे वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए ताकि क्लाइंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए. उसके बाद उनके ऊपर जो मैनेजर होंगे वो आपको कितने रखने हैं, तो होटल के स्टाफ को आपको एक्सपीरियंस स्टाफ को आपको हायर करना पड़ेगा. तो आपका क्या हो गया, होटल की लोकेशन आपने डिसाइड कर ली, होटल का बजट आपका हो गया, होटल का डेवलप आपने कर लिया, होटल का स्टाफ आपने हायर कर लिया, आपका पूरा कंप्लीट होटल नाउ रेडी. जो फर्स्ट पार्ट था होटल की नाइट को सेल करना, मींस आपका जो प्रोडक्ट है होटल की नाइट्स, वो आपका कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर तरीके से. होटल की लोकेशन से लेके होटल के स्टाफ हायरिंग तक का आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है. इसके बाद जो पी पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है, इसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, होटल की रूम्स नाइट को हमें सेल करना है. अब लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट. तो होटल की रूम्स नाइट हमारी होटल रेडी है, होटल की रूम्स नाइट हमें सेल करनी है. तो अब बात करते हैं ऑडियंस की, जो हमें टारगेट करनी है ऑडियंस, हमें किसको ये होटल की रूम नाइट सेल करनी है. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला है B2B, फिर है B2C, बिजनेस टू बिजनेस. तो बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, जो आपके कोई कॉन्टेक्ट में है, ट्रेवल एजेंट है, या आप उनसे, जो अच्छे ट्रेवल एजेंट्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके होटल में विजिट करवा सकते हैं उनको, और उनको अपनी प्रॉपर्टी दिखा के कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, एंड आप उनको अच्छे रेट्स दे सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको फिर बैक टू बैक बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा. तो इनसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आप इनसे सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हो, या जो ट्रेवल के इवेंट्स होते हैं लाइक सेटे हो गया, TTF हो गया, BLTM हो गया, IITM हो गया, तो वहां पे आप इन इवेंट्स में विजिट करके आप अपने होटल की वहां पे मार्केटिंग कर सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा आप B2B जो ये ट्रेवल एजेंट है इनके साथ आप कॉन्टेक्ट करके इनको आपके पार्टनर आप बना सकते हैं. ओके, अब बात करते हैं बिजनेस टू कस्टमर B2C. इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करते हो अपने होटल में स्टे करने के लिए, विजिट करने के लिए. तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है, जब टारगेट ऑडियंस को कर रहे होते हो आप, कि आपका होटल एक्चुअली में है कहाँ पे, आपका बीच साइड में है, या जहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज ज्यादा होती है उस लोकेशन में है. तो आपको एडवेंचर लवर
को टारगेट करना होगा। इसके अलावा कुछ होटल्स में होता है कि हम तो मेनली जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, वेडिंग होती है या कॉर्पोरेट मीटिंग होती है या मीटिंग्स होती है, फैमिली फंक्शन होते हैं, सिर्फ उनमें डील करते हैं। कुछ होटल्स में होता है कि मेनली जहाँ पे हनीमून डेस्टिनेशन होती है, मेनली सिर्फ हनीमूनर्स को वो टारगेट करते हैं ऐसी ऑडियंस को, या कुछ ऐसे धार्मिक स्थान होते हैं जहाँ पे पूरी आप फैमिली को आप कर सकते हो टारगेट, जो आपकी ऑडियंस होती है पूरी फैमिली वहाँ पे आप विजिट कर सकती है, उस डेस्टिनेशन पे एंजॉय कर सकती है, आपके होटल में स्टे कर सकती है। इसके बाद आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है कि जो आपकी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपका होटल है, वहां पे बाकी किन किन डेस्टिनेशन से लोग विजिट करना पसंद करते हैं, जो डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है, जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, उस पे भी आपको एक स्टडी करके, एक थोड़े सा रिसर्च करके आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को बनाने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था प्रोडक्ट, सेकेंड पार्ट था आपका ऑडियंस, तो ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, अब आपकी ऑडियंस, आपका ऑडियंस रेडी है, आपका प्रोडक्ट रेडी है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है मार्केटिंग। तो अब बात करते हैं होटल की मार्केटिंग थर्ड पार्ट की। इसमें क्या करते हैं, अब हम हमारा प्रोडक्ट रेडी है, होटल की नाइट सेल करनी है, हमारी ऑडियंस हमें पता चल गई है, अब हम उसको ऑडियंस को हमारे होटल तक लेके आएंगे कि भाई यहाँ पे आओ, विजिट करो, स्टे करो। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मार्केटिंग टू टाइप से आप कर सकते हो, दोनों तरीके से ही करनी चाहिए। एक होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, एक होता है ऑफलाइन मार्केटिंग। सबसे पहले ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको मेनली जो टारगेट आपको करना होता है वो ट्रैवल एजेंट करने होते हैं, उनसे पर्सनली मीटिंग करके आओ, जो अच्छे कुछ ट्रैवल एजेंट है उनसे पर्सनली मीटिंग करके आओ, जो आपका जहाँ पे होटल है उस डेस्टिनेशन में डील करते हैं, पर्सनली मिलके आओ, उनको सारी चीजें बताओ, अपने होटल की जो भी आपकी फैसिलिटीज हैं जो आप प्रोवाइड कर रहे हो होटल में, तो वो चीजें उनको बताओ, समझाओ उनको अच्छे रेट, तो ताकि आपका एक अच्छा लॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप आपका बने और उनसे बैक टू बैक कस्टमर आना स्टार्ट हो जाए। इसके अदर देन आप जो ट्रैवल एजेंट है उनको मिलने के लिए आप जो ट्रैवल एजेंट, जो ट्रैवल के जो वो होते हैं, ट्रैवल शोज होते हैं, वहां पे आप विजिट कर सकते हो। मैंने थोड़ी देर पहले भी इसमें बताया था, जो ट्रैवल शोज होते हैं, सैटे, बीएलटी, एमटीटीएफ हो गया, आईआईटीएम हो गया, तो यहाँ पे आप विजिट करके ट्रैवल एजेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अदर देन आप ऑफलाइन मार्केटिंग में आपके जो स्कूल है आसपास, जो कॉलेजेस हैं, अगर आप उनसे मीटिंग करके वहां पे भी आप बता सकते हो कि जो आपके स्कूल कॉलेजेस की जो ट्रैवल करते हैं, जो मतलब साल में एक बार तो इनकी होती है जो ट्रैवलिंग होती है स्कूल कॉलेजेस टूर की, तो आप उनसे मीटिंग करके वहां पे आप अपने होटल के बारे में बता सकते हो ऑफलाइन मार्केटिंग। इसके अदर देन आप क्या कर सकते हो, जो ऑफलाइन मार्केटिंग में आपका है उसमें आप कर सकते हो, जो कॉर्पोरेट ग्रुप होते हैं, कॉर्पोरेट टूर ग्रुप होते हैं कंपनीज के साथ, आप जाके वहां पे मीटिंग कर सकते हो, उनको आप अपने होटल के बारे में बता सकते हो, या जो न्यूज़पेपर में देना हुआ या कोई ब्रोचर्स वगैरह आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाने हुए किसी एरियाज में, तो आप ये ऑफलाइन मार्केटिंग में आप ये चीजें कर सकते हो। ओके, अब मार्केटिंग में बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो आपके होटल की पिक्स, फोटोग्राफी आपको अच्छे से करवाओ, होटल की पिक्स, अच्छी पिक्स आपके पास होनी चाहिए, होटल के रूम्स की, होटल से व्यू कैसा आ रहा है, होटल में जो अगर आपका जिम है, स्पा है या कोई भी अदर फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसकी आपको अच्छी फोटोग्राफी करवानी पड़ेगी ताकि ऑडियंस एंगेज हो जाए, ऑडियंस को वो पसंद आए वो चीजें। इसके अदर देन आपको एक वीडियोग्राफी, अगर बहुत से होटल्स क्या होते हैं कि ड्रोन से शूट करवाते हैं, पूरी वीडियोग्राफी करवाते हैं, अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप नॉर्मल वीडियोग्राफी भी करवा सकते हैं। नॉर्मल वीडियोग्राफी में आपका पूरा रूम्स कवर होने चाहिए, रूम्स की कैसे दिखते हैं, होटल से व्यू कैसा आ रहा है, ठीक है, स्पा कैसा है, जिम कैसी है, ठीक है, स्विमिंग पूल के किस तरीके से दिखता है, ताकि इस तरह की आपने वीडियो बना ली तो ऑडियंस बिल्कुल उसी टाइम कन्विंस करना आसान हो जाएगा कि आपका एक्चुअली में ये होटल किस तरीके से दिखता है। तो ये दो चीजें है जो आपको सबसे पहले करवानी चाहिए, इसके बाद ही फिर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में स्टार्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से। इसके बाद आपकी होनी चाहिए होटल वेबसाइट। होटल वेबसाइट में आप क्या कर सकते हो कि जितना भी आपकी होटल की पिक्स हैं, आसपास की जितनी भी डेस्टिनेशन है, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आपका होटल का स्टाफ कैसा है, होटल की
स्टाफ की पिक्स हो गई या जो आपके कुछ गेस्ट वहां पे आ रखे हैं उनकी पिक्स हो गई, कुछ रिव्यूज हो गए, होटल में इंक्वायरीज फॉर्म हो गया, चेक इन चेक आउट की टाइमिंग वगैरह, सारी जितनी भी आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है होटल से रिलेटेड वो सारी आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। होटल की वेबसाइट के बाद आपको क्या करना है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गई, ट्विटर अकाउंट हो गया, यूट्यूब पे आपका चैनल हो गया, तो यहाँ पे सब पे आपने अपने चैनल्स अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है होटल के लिए, और वहाँ पे डेली या रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स होने चाहिए कि आपका कोई ऑफर्स आपने निकाल दिया, कोई फेस्टिवल आ रहा है उस पे आपने ऑफर्स निकाल दिया, या कौन से गेस्ट चेक इन कर रहे हैं उनकी पिक्स हो गई, वीडियोस हो गई, फीडबैक हो गया, फीडबैक वीडियोस हो गई, तो इस तरीके की डेली आपका रेगुलरली कंटेंट अपडेट होना चाहिए। और उसके बाद आप उनपे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे आप क्या कर सकते हो कि फेसबुक एड्स आपने रन कर दी, होटल की वेबसाइट पे गूगल एड्स आपने रन कर दी, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो फॉर मोर ऑडियंस को, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को एंगेज करने के लिए या लाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये इसके बाद आप इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग में कर सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर योर होटल SEO। इसमें क्या होता है कि आपका होटल फॉर एग्जांपल मनाली में है, तो मनाली में आप कुछ कीवर्ड्स के लिए आप उसको रैंक करोगे अपने होटल की वेबसाइट को कि बेस्ट होटल्स इन मनाली, बेस्ट बजट होटल इन मनाली, अगर बजट होटल है बेस्ट 3-star प्रॉपर्टीज इन मनाली, बेस्ट 4-star प्रॉपर्टीज इन मनाली, तो इस तरह की कीवर्ड्स पे आप अपने होटल को रैंक करवाओगे। होटल की वेबसाइट रैंक करवाने के बाद क्या होगा कि वहां से जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है वो आपकी वेबसाइट पे आने स्टार्ट हो जाएंगी, वो इंक्वायरीज डालेंगे या होटल की वेबसाइट से बुकिंग करेंगे, तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके उनको लीड को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका SEO आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी वेबसाइट के लिए SEO करवाना। इसके बाद आता है कि आपको जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं उनको इन्वाइट करना चाहिए, उनका ऑलरेडी ब्लॉग है या उनका यूट्यूब चैनल है, वो आपके होटल में आएंगे, आप उनको स्टार्टिंग में फ्री में स्टे दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। अगर उन्होंने आपके होटल के बारे में कि ऐसा स्टाफ है, ऐसे होटल्स हैं, ऐसा व्यू आता है, नियर बाय डेस्टिनेशन ये है, उनके बारे में पूरा प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट अपने ब्लॉग पे लिख दी, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक ऑडियंस है, उनके ऑलरेडी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, तो अगर आपने ये कर दिया, उनको विजिट करवा के फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे दे दिया, तो उसके बाद वो आपके होटल के बारे में कंटेंट लिखेंगे, अपने ब्लॉग पोस्ट पे डालेंगे या वीडियोस बनाएंगे अपने यूट्यूब पे डालेंगे, तो जो उनकी ऑडियंस है उनको पता लगेगा कि यहाँ पे ये होटल है, इस तरह का होटल है, तो आपकी एक तरीके से ब्रांडिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके होटल को जानना स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 मेथड थे बेसिकली, ये मार्केटिंग वाला हमने अभी कंप्लीट किया है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, 3 जो पार्ट थे उसमें फर्स्ट था प्रोडक्ट पार्ट, जिसमें आपको होटल नाइट्स मैंने बताया सारी कैसे किस तरीके से आप कर सकते हो, सेकंड पार्ट था हमारा ऑडियंस के बारे में हमने डिस्कस किया, थर्ड पार्ट था मार्केटिंग के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये पूरा ये गोल्डन ट्रायंगल एक्चुअली रूल है फॉर होटल्स के लिए, अभी दिखाता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो गोल्डन ट्रायंगल रूल फॉर होटल्स, जो फर्स्ट मैंने डिस्कस किया प्रोडक्ट के बारे में, फिर ऑडियंस के बारे में, फिर मार्केटिंग के बारे में, तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर ली। डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट sparkotech.com पे विजिट कर सकते हो, मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ओके, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो से रिलेटेड, कैसे आप होटल बिजनेस को ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, तो वो कमेंट में मुझे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और इसके अदर देन मैं इस जो मेरा ये YouTube चैनल है इस पे ट्रैवल बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं, होटल बिजनेस को कैसे ग्रो करते हैं, उनसे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियोस जल्दी अपलोड करूंगा, और इससे रिलेटेड अपलोड इस पे होती रहेगी इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय गाइस, हैव ए नाइस डे।